ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी जिला पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 1 किलो 662 ग्राम चरस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंडी जिला पुलिस की एसआईयू टीम आज सब इंस्पेक्टर मनोज बाली की अगुवाई में बिंद्रा बनी के पास नाके पर तैनात थी। मनाली से कांगड़ा जा रही एक प्राइवेट बस को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें सवार साधु बाबा से चर्च की भारी भरकम खेप बरामद की गई। वहीं दूसरी ओर मनाली से आ रही एक प्राइवेट बस को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें सवार 23 वर्षीय युवक सोनू से 508 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस टीम ने आरोपी को उसी वक्त हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी जिला पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 1 किलो 662 ग्राम चरस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंडी जिला पुलिस की एसआईयू टीम सब इंस्पेक्टर मनोज बालिये की अगुवाई में बिंद्राबनी के पास नाके पर तैनात थी। मनाली से कांगड़ा जा रही एक प्राइवेट बस को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें सवार साधु बाबा से चरस की भारी भरकम खेप बरामद की गई। तोलने पर ये चरस 1 किलो 154 ग्राम निकली। पुलिस टीम ने इसे तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके सदर थाना की हिरासत में भेज दिया है। 35 वर्षीय आरोपी बाबा राजेंद्र गिरी पुत्र प्रेम गिरी जिला रूपनगर पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं बीती शाम ओट थाना पुलिस की एक टीम हेड कांस्टेबल यशपाल की अगुवाई में थाने के बाहर नाकेबंदी पर मौजूद थी। मनाली से आ रही एक प्राइवेट बस को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें सवार 23 वर्षीय युवक से 508 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस टीम ने आरोपी को उसी वक्त हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी सोनू पुत्र रामचंद निवासी जिला काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने दोनों मामलों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसआईयू की टीम ने आज बिंद्राबनी में न्यू प्रेम बस सर्विस में सवार एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र गिरी है उसको 1 किलो 154 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है और इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस द्वारा इस केस की तफ्तीश की जा रही है। ओट पुलिस स्टेशन में भी ओट पुलिस ने एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है उससे 508 ग्राम चरस बरामद की है, उसके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और उस केस की भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।